देखना है हालात वहाँ क्या, अभी भी सपोर्ट है इनकी वहाँ केपी में, और बिकॉज वहाँ उनकी लोकल गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत मिले हैं सेंटर से, उन्होंने काफी पैसे वैसे खर्च किए हैं, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन देयर वाज नॉट एज बैड एज इट वाज एज इन द फेडरल कैपिटल, एंड सो वहाँ अच्छे लोग भी थे, तैमूर झगड़ा झगड़ा जैसे लोग जो कि अच्छे काम कर रहे थे एंड सो ऑन, तो और भी थे, तो मैं समझता हूँ कि वहां अभी भी ही हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ सपोर्ट बेस। मगर आपने देखा ये जो लोकल इलेक्शंस हुए हैं, पहले राउंड में ये हार गए, हाँ, दूसरे बिल्कुल राउंड में ये जीते हैं, मगर वो इसलिए जीते हैं कि इन्होंने सडनली दे रियलाइज कि ये पुराने लोगों के ऊपर लेके ये काम नहीं चलेगा, इन्होंने फिर लोकल नीचे लेवल पे गए और वहां सीटें दी हैं, लोगों को टिकट दिए हैं जो कि अवामी लोग हैं जो कि अब जीते हैं द सेकेंड राउंड, पहले राउंड में इनका ये प्रॉब्लम था, बट एनी वे दैट्स अ सेपरेट इशू। तो आपका सवाल ये है कि आई थिंक इमरान खान जिस तरीके से वो एक्चुअली डिसऑनरेबली डिस्चार्ज हुए, और जो जिस किस्म के जितने उन्होंने झूठ बोले हैं, तो लोग आमतौर पे उनके अपने सपोर्टर्स हैं वो बड़े मायूस हैं, यार ये क्या इन्होंने ड्रामे किए हैं, ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या झूठ बोला, ये क्या झूठ बोला। अब बहुत सी बातें निकलेंगी इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इनके दोस्तों के बारे में और इनके बारे में और इनकी न्यू फैमिली के बारे में बहुत सी चीजें निकलेंगी, और अब लोग यकीन करें या ना करें, आम लोग जो है वो तो यकीन करेंगे, जो गुलबर्ग टाइप्स हैं या जो डिफेंस टाइप्स हैं या जो एफ्लुएंट एरियाज के यंग या यंगर जनरेशन है वो अब तो थोड़ी सी मायूस होगी, शायद वो अगली दफा उस तादाद में बाहर निकले भी ना वोट डालने के लिए इनके लिए, सही मगर वो उनके लिए नहीं डालेंगे, वो उनके अभी भी खिलाफ रहेंगे, इनके लिए नहीं डालेंगे, आधे आ जाएंगे डालने के लिए आउट ऑफ शेयर सेंस ऑफ लॉयल्टी या एरोगेंस या प्राइड और या ऑनर, मगर आधे आएंगे भी नहीं। सो आई प्रिडिक्ट दैट खान साहब इज गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम पुटिंग अ पार्टी टुगेदर और पुटिंग एन इलेक्टोरल टीम टुगेदर फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। मैं इतफाक करता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब की जो फलसफा है या उन्होंने जो फॉर्मुलेशन की है बयानी की कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो वो बेहतर है और इस हुकूमत को ज़रा देर नहीं रहना चाहिए, मगर मेरा ख्याल है ये जो मुकमुका हुई है जिसके साथ पीडीएम बनी है और उसके बाद अब आगे भी कुछ डेवलपमेंट्स होनी है, मेरा ख्याल है कि इनको कंसेशंस देनी पड़ी है। इन्होंने तो शुरू में चौधरी परवेज इलाही को भी कंसेशन दे दी थी इन ऑर्डर टू गेट द प्रोजेक्ट मूविंग फॉरवर्ड, तो मेरा ख्याल है कि जब वो परवेज इलाही साहब ने स्प्रिंग किया दूसरी तरफ, तो मेरा ख्याल है लंदन में नवाज शरीफ साहब ने सोचा होगा ये अल्लाह तेरी बड़ा शुक्र होया गया है, बिकॉज आई थिंक ही वाज क्वाइट अनहैप्पी कि ये अब हमें ये मजबूरी भी हमें करनी पड़ी है इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। तो अब मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हालात है आगे, और इमरान खान साहब नजर आएंगे डिस्पाइट एवरीथिंग, उनका डोंट फॉरगेट वन थिंग, सबसे ज्यादा कामयाब डिपार्टमेंट उनकी थी सोशल मीडिया की, उनके जो स्पोक्समैन थे दे वर नॉट वेरी गुड, शैलो किस्म के लोग थे, गाली गलौच वाले लोग थे, हमारे कल्चर में वो एक छोटा सा सेक्शन है टेडी बॉय टे सेक्शन यूथिया सेक्शन जो इस किस्म की जुबान और इस किस्म की हरकतें पसंद करता है, मगर मेजोरिटी वोटर जो है वो फिर भी हमारा एक तहजीब है, एक कल्चर है, एक तरीका है, हर एक को साहब कहना, हर एक को ये कहना, दुश्मनों के साथ भी हाथ रख के बात। खान साहब तो बिल्कुल ही फर्क किस्म के शख्स निकले, तो मैं समझता हूँ कि दिस विल हैव इट्स टोल्ड, जिसे कहते हैं इसका भी एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, मगर जो नई हुकूमत है उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा, ये जो मईशत जो हशर है यहाँ, इसको दो चैलेंजेस, एक ये कि अवाम को कुछ देना, दूसरा ये कि कर्जे इतने चढ़ गए हैं सिर के ऊपर कि कर्जे और लेने पड़ेंगे पुराने ताकि कर्जे उतारने के लिए कारोबार चलता रहे, और वो कर्जे लेंगे तो उसके ऊपर टर्म्स बड़ी सख्त होंगी, और वो सख्ती यही होगी कि खर्चे अपने कम करें टैक्सेस बढ़ाएं, लुब्बे लुबाब उसका, खर्चे कम करें टैक्सेस बढ़ाएं, आपके पास जो पैसे आएंगे हमारे कुछ पैसे वापस भी करें, हाँ, ताकि और आगे आपको आपके लिए सहूलतें हों। वो कहते हैं कि बैंकों के पास जब आप जाए ना कोई कंपनी, तो बैंक देखती है आपकी बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन से मुराद ये होती है कि आपकी कोई प्रॉफिटेबिलिटी भी है कि नहीं, ये तो नहीं कि आपको कर्जा दे रहे हैं तो आप तो ये कर्जा वापस ही नहीं कर सकेंगे, जिस किस्म के आपके मैनेजमेंट है, जिस किस्म की आपकी पॉलिसीज हैं, ये तो और भी अगले साल तो आप हमारा भी ये 10 करोड़ आपको दे रहे हैं ये भी डूब जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो वो मॉनिटर करते हैं, वो ऑडिट करते हैं, इसी तरीके के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो आपको पैसे देती है वो भी ऑडिट, उसके भी ऑडिटर्स होते हैं कि यार ये पैसे वापस भी मिलेंगे कि नहीं। तो अब बात यह कि उसके लिए फिर आपको कुछ ऐसे इकदाम करने
करने पड़ेंगे जिसके साथ चीखें निकलेंगी यहाँ। अब देखना ये है कि ये हुकूमत जो है अगर तो ये 3-4 महीने के लिए आती है तो मैं तो समझता हूँ जितनी जल्दी ये जाए वो बेहतर है, क्योंकि अगली हुकूमत आए उसके ऊपर कोई दाग ना हो, कोई उसने वादे ना किए हो उनके लोगों ने कि जी हम ये देंगे और देंगे और ये 2-3-6 महीने में ना दे सके। वो आए उनके पास 5 साल हों और उन 5 साल में एक पूरा प्लान के तहत आए, स्टडी करके आए जो खान साहब ने कभी की जी थी कि अब हमने आगे कैसे टैकल करना है, पहले साल में ये करना है, दूसरे साल में ये करना है, तीसरे साल में ये करना है, चौथे साल में ये करना है, पांचवे साल में ये करना है, एक पूरा 5-year plan बना के आए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और इकोनॉमिक पॉवर्टी को खत्म करने का या काम करने का, उसके तहत करें और यार्ड स्टिक्स और कॉन्स्टेंट चेकिंग और ऑडिटिंग हो ये हो रहा है। ये हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग नहीं है इस किस्म की चीज की, ये सेंट्रलाइज सिस्टम्स में ट्रेनिंग होती है, इस किस्म के लूज कोलिशन सिस्टम्स या डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर इतनी वो नहीं होती ट्रेनिंग। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी जहाँ से आप पैसे लेते हैं, जिनको पैसे वापस करने होते हैं, जिनकी रेटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ आपके इंटरनेशनल बॉन्ड्स फ्लोट होते हैं, यहाँ से हॉट मनी आती है और जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये बहुत से इसके पहलू हैं, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको खुश करना होगा और उनके मुताबिक उनकी हिदायत के मुताबिक चलाना होगा, मगर उसके साथ आम आदमी के ऊपर भी बड़ा बोझ पड़ सकता है। अब देखना ये है, मेरा हमेशा ये मौकफ रहा है ये मुश्किल काम नहीं है, उसकी वजह यह है इस मुल्क में बड़े अमीर लोग हैं, अब जो भी बोझ पड़ना है वो अमीरों के ऊपर पड़ना चाहिए, गरीबों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, और उसके तरीके हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पार्लियामेंट जो है वो तो अमीरों की है, सियासी जमातों में जो लीडर्स हैं वो सारे अमीर हैं, अब ये लोगों को एक्सपेक्ट करना कि ये अपने अपने जेबों में से काट के जो इनके पर्क्स और प्रिविलेजेस और प्रॉफिट्स हैं वो काट के और आपको देंगे ताकि आप गरीबों के ऊपर उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी कुछ खुशहाली के लिए आप वो पैसे खर्च करें, तो ये हमेशा मुश्किल काम होता है, इसीलिए वो कहते हैं कि रिफॉर्मर चाहिए। अच्छा, अब ये बिल्कुल हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इतने भी ज्यादा सेक्रीफाइस अमीरों को करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस बट इम्प्लीमेंटेबल सेक्रीफाइसेस जो हो सकती हैं। इस वक्त हमारा टोटल रेवेन्यू कितनी है, कोई 6,000 बिलियन, मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी के साथ अगले 2 साल में ये 10,000 पे जा सकती है, मगर बात यह है कि अगर आप 10,000 पे ले जाते हैं और फिर भी आप गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, फिर भी इकोनॉमी जो है वो उस तरीके से अब्सॉर्ब नहीं करती एम्प्लॉयमेंट के लिए और तालीम आपकी बेहतर नहीं होती, तो फिर आप कहाँ जाएंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ती जाती है। अब ये कोविड के जमाने में आपने देखा और डिवेल्यूएशन, आवाम तो पिस गई ना, सैक्रिफाइस अमीरों को करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस बट इम्प्लीमेंटेबल सैक्रिफाइसेस जो हो सकती हैं। इस वक्त हमारा टोटल रेवेन्यू कितनी है, कोई 6,000 बिलियन, मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी के साथ अगले 2 साल में ये 10,000 पे जा सकती है, मगर बात यह है कि अगर आप 10,000 पे ले जाते हैं और फिर भी आप गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, फिर भी इकोनॉमी जो है वो उस तरीके से अब्सॉर्ब नहीं करती एम्प्लॉयमेंट के लिए और तालीम आपकी बेहतर नहीं होती, तो फिर आप कहाँ जाएंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ती जाती है। अब ये कोविड के जमाने में आपने देखा और डिवेल्यूएशन, आवाम तो पिस गई ना।